दोस्तों, BTS के मेंबर्स सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं हैं, बल्कि वो अपनी पढ़ाई और अपने करियर में भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BTS के सभी मेंबर्स ने क्या क्या पढ़ाई करी है और वो इस समय क्या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर क्या वो कॉलेज जाते हैं, या फिर क्या उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं यूं ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं, तो मुझे ढेर सारा प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, @edu.pecs को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको भी BTS की खास और एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, BTS के सभी मेंबर्स पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। और दोस्तों, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आपकी कितनी भी टफ ट्रेनिंग हो, कितना भी टफ शेड्यूल हो, आपको अपनी पढ़ाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों, बात करते हैं कि हर मेंबर ने अपने करियर में या फिर अपने स्कूल के डेज में क्या क्या पढ़ाई करी है और क्या इस समय क्या वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों, बात करते हैं BTS के सबसे बड़े मेंबर यानी वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन की। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिन के विजुअल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ जिन ने हमेशा से बताया था कि वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। और दोस्तों, इसीलिए आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि जिन ने एक्टिंग में काफ़ी बेहतरीन पढ़ाई कर रखी है। और दोस्तों, उन्होंने काफ़ी प्रेस्टीजियस कॉलेज से एक्टिंग में डिग्री भी हासिल कर रखी है। दोस्तों, यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ में आगे भी एक्टिंग में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो BTS में आ गए और वहाँ के टफ स्केड्यूल्स की वजह से वो पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाए थे, वो अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी को कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, जिन ने ये भी बताया था कि जब उनका कॉलेज पूरा हुआ था, तो वो अपने सेरेमनी में भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो BTS के शेड्यूल्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। लेकिन दोस्तों, खास बात ये थी कि सभी मेंबर समझते हैं कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो आखिरी दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए उन्होंने स्पेशली जिन के लिए उनकी सेरेमनी को BTS की बिल्डिंग में ही प्लान किया था और जिनको सरप्राइज भी दिया था। दोस्तों, बात करें हमारे मिनयूंगी की यानी सुगा की। तो दोस्तों, सुगा ने हमेशा से बताया है कि उनको अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय देने के लिए समय ही नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों, जिस समय वो स्कूल में थे, वो अपनी जॉब में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। और दोस्तों, उसके बाद वो BTS में आ गए, उन्हें वैसे भी समय नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, फिर भी काफ़ी सारी सोर्सेज से पता चला है कि सुगा कुछ वक्त पहले से ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में अपनी ऑनलाइन डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, बात करें हमारे क्यूट मोची यानी जिमिन की। तो उन्होंने भी बताया था कि BTS के ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद वो अपने करियर को फिनिश नहीं कर पाए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता था और उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। हालांकि दोस्तों, अब जिमिन भी सुगा के ही फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं और वो सुगा की ही यूनिवर्सिटी यानी ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में ही अपनी ग्रेजुएशन को पूरी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, उनके क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इस बारे में कोई भी चीज़ें रिवील नहीं करी गई हैं। दोस्तों, BTS के मैप ऑफ द सोल 7 के कॉन्फ्रेंस में BTS के लीडर यानी किम नामजून ने रिवील करा था कि वो किसी तरह की मॉडर्न आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि सभी आर्मीज जानती हैं कि RM को एग्जीबिशंस और गैलरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इससे माना जा सकता है कि वो सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं, बल्कि अपनी हॉबीज में भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें हमारे गोल्डन माकने की यानी जंगकुक की। तो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि भले ही वो छोटी सी उम्र में BTS में आ गए थे, इतनी टफ ट्रेनिंग थी, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था, लेकिन ये सारे रीज़न पढ़ाई को छोड़ने के लिए कोई भी मायने नहीं रखते। और दोस्तों, इसीलिए बताया जा रहा है कि जंगकुक ने भी ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी में अपने सेकेंड ईयर को ज्वाइन कर लिया है। और दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कुछ वक्त पहले रिवील हुई थी, इसलिए माना जाता है कि जंगकुक अब शायद अपने थर्ड ईयर में आ चुके होंगे। दोस्तों, वहीं बात करें हमारे आइडल किम तयोंग की। तो उन्होंने रिवील नहीं करा कि वो क्या करियर चूज़ कर रहे हैं या फिर उन्होंने पहले क्या पढ़ाई करी हुई है, लेकिन दोस्तों, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं है और ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी से ही अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। और दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस मानी जाती है। हालांकि दोस्तों, बात करें एंड में हमारे BTS के मेंबर जे होप की। तो दोस्तों, BTS के सभी मेंबर्स में से सिर्फ जे होप ऐसे मेंबर हैं जो पहले से ही ग्रेजुएटेड है। और दोस्तों, उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ को करा हुआ है। और दोस्तों, अभी भी वो अपनी स्टडी को ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि BTS के साथ उन्हें अपने कॉलेज में या फिर अपने स्टडी के कोर्सेज में जाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, फिर भी जेहोप ने प्रूफ कर दिया है कि आपको हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर उसे छोड़ देंगे।
तो आर्मी अगर आपको भी BTS के पढ़े हुए कोर्सेज या फिर उनकी पढ़ाई के प्रति अपनी डेडिकेशन अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और @fx को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।